आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव दो चरणों में होने जा रहा है। राज्य में 4 और 11 मई को दो चरणों में मतदान होगा और चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सभी चुनाव मैदान में है। सभी दलों के लिए यह चुनाव काफी अहम है। सभी राजनीतिक दल एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारी परखना चाहते हैं। इस चुनाव में मिली जीत बढ़त दिलाने के साथ साथ स्थानीय स्तर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। चुनाव के लिए ये दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। खासकर भाजपा और सपा बड़ी जीत दर्ज करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं सभी दलों ने चुनाव को देखते हुए मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष पद और नगर पालिका पार्षद पद के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और नामांकन की प्रक्रिया भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चुनाव की तैयारियां तो हो रही हैं, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो रहा है, लेकिन जो साफ नहीं है वो है इन तमाम दलों का एजेंडा क्या होगा। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दलों ने चुनाव के लिए उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। बता दें कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। पार्टियों का एजेंडा क्या है, बता दें कि सभी दल जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण हर एक समाज को साधने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी दलों की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि ये नगर निकाय चुनाव दो चरणों में होगा और इसी को देखते हुए सभी दलों ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों को भी मैदान में उतार दिया है। और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन हमसे जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से भास्कर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से तरुणिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत आम आदमी पार्टी की तरुणिमा जी से करूंगी। तरुणिमा जी, आपकी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, किस एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही हैं? आम आदमी पार्टी, इस तरीके से हमने दिल्ली में जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, पंजाब के में चुनाव लड़ा था, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में नगर निगम में भी हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो मुद्दा तो जनता को लेकर जो नगर निगम द्वारा जो सफाई नहीं करने का मुद्दा है, हम अगर हमारी सरकार, हमारी पार्टी अगर हम नगर निगम में आते हैं तो हाउस टैक्स हम देंगे और पानी और जितने भी कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम करेंगे। और हम लोग जो भाजपा जिस वक्त वहां बैठी हुई है अभी सत्ता में नगर निगम में, सफाई नहीं होती है, ऊपर सड़क नहीं बनी हुई है, सड़कें टूटी है, गटर की सफाई, सीवर की सफाई ढंग से नहीं होती है। हम नई टेक्नोलॉजी से सारी चीजें लेकर आएंगे। तरुणिमा जी, आप तमाम मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टी के नेताओं खुद केजरीवाल ईडी और सीबीआई के घेरे में घिरते हुए नजर आए, तो क्या लगता है इससे कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईमानदार है और ईमानदारी से काम करती है। जिस प्रकार हमने दिल्ली में ईमानदारी से सरकार है, हम लोग जनता को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी पर एमसीडी में हम पूर्ण बहुमत से जीते और एमसीडी में जनता ने हमें
लेकिन मैम शराब घोटाले को लेकर आपके दो दो नेता जेल में बंद हैं। देखिए मयूर जी, शराब घोटाला अभी अभी आप उसे घोटाला नहीं कह सकते, सिर्फ उस पे जांच चल रही है और वो भी फर्जी जांच है, क्योंकि हमने अडानी और मोदी पर जो बात हमने विधानसभा में छेड़ी, जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग डेली बात करते हैं उनके, उसका जो खुलासा है भ्रष्टाचार का, देश को लूटने का जो खुलासा है, वो जो अगर कोई पार्टी बोल रही है वो आम आदमी पार्टी बोल रही है, हमारे हमारे लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं। इससे जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, वो डर गई है, उन्हें लगता है कि एक आम आदमी पार्टी की छवि जो है इस देश में ईमानदारी की इस छवि को कैसे बिगाड़ा जाए, तो ये उस पर कोई ना कोई काम मतलब कोई मुद्दा लेकर आए, इनको कैसे फंसाया जाए, इनकी छवि को कैसे खराब किया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। पहले आप मैं पुराना अगर मुद्दा उठा लूं, तो यही मुख्यमंत्री थे मोदी जी, और गुजरात में कांग्रेस ने उन पर छोड़ा था, तो वो रो रहे थे कि हमारे ऊपर सीबीआई ईडी छोड़कर हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी सरकार को परेशान किया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। अमित शाह जी ये कह रहे थे कई महीनों तक वो सीबीआई के कस्टडी में रहे, वो कह रहे हैं हमें मुझे कह रहे हैं कि छोड़ेंगे तब जब मोदी जी का नाम आप ले लेंगे, मोदी का नाम तो हम आपको छोड़ देंगे तुरंत। तो इस तरह का जो तो तरुणा जी आपके मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं निकाय चुनाव में? आपको यही बात, निकाय चुनाव में आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं निकाय चुनाव में? मैंने आपको निकाय, देखिए जनता हमारी तरफ है, उत्तर प्रदेश की जनता हमारी तरफ देख रही है कि आम आदमी पार्टी इस उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़े, और जो मूलभूत सुविधाएं जनता का जो नगर निगम द्वारा हमें मिलता, हम उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हमारी तरफ है। नगर निगम के कुछ छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल होते हैं जो फिफ्थ क्लास तक होते हैं, उसका भी बहुत बुरा हाल है, वो तो बिल्कुल ही योगी सरकार ने बंद कर दिया है, भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है, और वो गरीबों के बच्चे जिस पे पढ़ने जाते हैं उन्हें दरी में और एक ही कमरे में सारी इस तरीके से स्कूल बना रखे हैं इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी निगम में आती है वो भी अच्छी सुविधाएं सारी प्रोवाइड कराएंगे जैसे हमने दिल्ली में करवाया है, तो है। काम अच्छी ईमानदारी की और जनता की मूलभूत सुविधाओं पर जो भी हम काम पर हम चुनाव, ठीक है। मैं केसी जैन जी के पास चलूंगी। केसी जैन जी, पहला मेरा आपसे सवाल है, भाजपा ने आज 10 सीटों पर मेयर घोषित किया है, जिनमें से 10 में से 9 सीट पर मौजूदा मेयर का टिकट काट दिया गया है, क्या वजह रही, क्या उन्होंने काम अच्छा नहीं किया? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति हमेशा के लिए किसी कुर्सी पे नहीं बैठा रहता। आप देखिए इसके पहले कई सारे जो हमारे मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनके कामों में परिवर्तन किया गया, और अगर एक व्यक्ति हटेगा नहीं तो दूसरे व्यक्ति को अवसर कहाँ से मिलेगा। पार्टी में जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी के प्रति समर्पित है, पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित है, तो क्या उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं पे कोई मजबूत कैंडिडेट दूसरा उसके सामने है तो बिल्कुल उसको उतारा गया, अगर लगता है कि दूसरा कैंडिडेट मजबूत नहीं है तो उसी कैंडिडेट को रिपीट भी किया गया। केवल ये बात नहीं है कि उसने काम अच्छा नहीं किया या जो है पार्टी के प्रति वफादार नहीं था, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम दूसरे सर मेन मकसद यही था, मतलब दूसरे चेहरे को मौका देना। बिल्कुल, देखिए तमाम सारे लोग हैं और एक एक सीट पे 20 से 30 लोग दावेदार होते हैं, जो प्रबल दावेदार होते हैं, टिकट तो बहुत सारे लोग मांगते हैं, तो ऐसे में 5 साल के बाद चुनाव होता है और जो व्यक्ति 10-10 साल से 20-20 साल से तैयारी कर रहा है, एक बार उसको अवसर नहीं मिला, दोबारा अगर उसको अवसर मिल रहा है, यानी कि 25-30 सालों की तैयारी, 25-30 सालों की मेहनत पे अगर दूसरे आदमी को अवसर मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है? और हमें लगता है कि होना भी चाहिए, परंपरागत सीट नहीं होनी चाहिए। केसी जैन जी, आपकी तरफ से निकाय चुनाव की पूरी तैयारियां की जा रही है, आप किस एजेंडे के साथ मैदान में उतर रहे हैं? देखिए हम हमारे जो शक्ति केंद्र है और हमारे जो मंडल अध्यक्ष है, हमारे एक एक वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं और उसके साथ में उनके साथ में 20-20 लोगों की पूरी टीम है, तो हमारा बूथ सबसे मजबूत और साथ ही साथ जिस प्रकार से पन्ना प्रमुख बना करके लोकसभा विधानसभा चुनाव में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी, उसी तरीके से घर घर जा करके और जितने कार्यकर्ता है वो सारी मेहनत कर रहे हैं बिना किसी, अगर तमाम सारी जगहों पे ये भी होता है कि टिकट मांगते हैं
लेकिन अगर टिकट नहीं मिला है तो वो पार्टी के जो प्रत्याशी है, पार्टी का प्रत्याशी है, उसके साथ बिल्कुल मेहनत के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो वोट है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को है। और देखिए काम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि केवल नगर निकाय चुनाव है तो सिर्फ नगर निकाय का ही मुद्दा बनता है। बात यह होती है कि पार्टी की सोच क्या है, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। अगर पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है तो चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे नगर पालिका हो, वहां पे जो भी पदाधिकारी बनकर के बैठेगा उस पर पार्टी के उच्च अधिकारियों की, उच्च पदाधिकारियों की, प्रदेश अध्यक्ष तक की उस पर नजर रहती, जिला अध्यक्ष उस पर नजर रहती। तो हमारी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जब जीत के आता है तो ईमानदारी से, मेहनत से काम करता है, जनता के लिए काम करता है। इसीलिए आपने देखा पिछले चुनाव में 16 मेयर की सीटों में से 14 मेयर भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी संख्या में हमारे जिला पंचायत, बड़ी संख्या में नगर पालिका और नगर निगम में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। तो उससे अच्छा प्रदर्शन करने की हम तैयारी में, और हर एक बूथ से लेकर के और मंडल से लेकर के सब तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की भी पूरी तैयारी में काम किया है। उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और एक बार जनता फिर से हमको चुन करके। तरुणमा जी, कुछ कहना चाह रही थी, आपके पास आऊंगी मैं, उससे पहले हमारे साथ सपा से भुवन भास्कर जी जुड़े हुए हैं। सर, आपकी क्या तैयारी है? पिछली बार नगर निगम में खाता तक नहीं खुला था, आपकी खेलने का इरादा है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, पिछली बार के चुनाव में 16 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और हम और विपक्ष के लोग दो जीते थे। तो अब की कहां देख रहे हैं सर अपने आप को? मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट आप बिना रोके टोके मुझे समय दीजिए, मैं सारा स्थिति आपको बता दूंगा। हम आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो जवाब देना है वो जनता को देना है, और जवाब क्या देना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी ढूंढने के लिए जनता टॉर्च लेकर घर से निकल। मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तरुणा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम में कब्जा है वो भाजपा का कब्जा है, और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है इस नगर निगम में कि इनका तो मुद्दा यही है कि अभी तो किया है करोड़ों का भ्रष्टाचार, अब करेंगे अरबों का भ्रष्टाचार। तो इस तरीके से ये लोग पूरे पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं नगर निगम में। आपको मैं गाजियाबाद का हाल बता दूं, गाजियाबाद की मेयर ने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, इसलिए इन्होंने चेहरे बदले हैं अपने, जो इतनी भी मेयर प्रत्याशी के चेहरे इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उनपे अगर CBI भी बिठा दी जाए तो उनकी 7 पुश्त तक जो है घर में, तो जेल से ना निकले, 7 पुश्तों तक इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है मेयर की मेयर में, ये सिर्फ जनता का खींच कर पैसा लेना चाहते हैं, इसमें कोई काम नहीं किया। सड़कें, नालियां, आपका कूड़ा सब ऐसे ही गंदे पड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती है। अगर ये 100 करोड़ लगाते हैं, 90 करोड़ खा देते हैं, तो ये काम करते हैं करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सके। ये जनता का विकास नहीं करते, ये शहर का विकास नहीं करते। सौंदर्यकरण के नाम पर अगर ये पैसा निकालते हैं आपके बगीचों का, अपने पार्कों का, तो उसमें से जितने भी शहर के आप पार्क उठा लीजिए, मुश्किल से 10-12 आपको पार्क अच्छे मिलेंगे, नहीं तो सब में जवाब दूंगी। उससे पहले मेरा सवाल है, आप तमाम मुद्दे उठा रही हैं, कितनी टक्कर दे पाएंगी भाजपा को? देखिए, अपने आप को कहाँ देख रही हैं नगर निकाय चुनाव में? देखिए, हम कोई बैल का यहाँ पे गेम नहीं खेल रहे हैं कि टक्कर वाला गेम खेलेंगे। जनता मैम बिल्कुल टक्कर वाला है, कितना हमारे देखिए, इनका काम सिर्फ अब देख लीजिए, नगर निगम चुनाव आ गया, इन्होंने अतीक को। मैम आप अपने आप को कहाँ देखती हैं नगर निकाय चुनाव में? आम आदमी पार्टी कहाँ है नगर निकाय चुनाव में? बेहतर, हम बहुत बेहतर स्थिति में है इस बार, क्योंकि जनता हमें पसंद कर रही है। हमारे कई सारे एरिया जनता के पास जाते हैं तो कहती है, अगर किन मुद्दों को लेकर मैम जनता आपको पसंद कर रही है? देखिए, हमारा हम जनता को
मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, जनता को मालूम है कि दिल्ली में करवाया है हमने, पंजाब में कराया है, तो वो भरोसा करती है कि अगर आम आदमी पार्टी अगर नगर निगम में आती है तो वो हमें जो वादा करके जा रही है वो उसे पूरा करेगी, क्योंकि हम भाजपा की तरह झूठे तो है नहीं कि जो कहते हैं वो करते ही नहीं है, हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता हम पे भरोसा जता रही है। जी केसी जैन जी, आपने सुना, तमाम आप पर आरोप लगाए, आप विकास नहीं करते हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए मैं तरुणमा जी को सुन नहीं पाया, लेकिन जिस प्रकार से आपने भी एक प्रश्न किया कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, आप कैसे चुनाव जीतेंगे, देखिए विधानसभा चुनाव में इन्होंने प्रयास किया, खाता तक नहीं खुला, और इसके पहले नगर निकाय चुनाव में भी प्रयास किया, खाता तक नहीं खुला। और रही बात इस बार के चुनाव की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं है, हाँ विपक्ष में अगर कोई पार्टी है समाजवादी पार्टी है, और लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पार्टी कभी अपने आप को सबसे ईमानदार, सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा कर रही थी, आज सबसे भ्रष्ट और भ्रष्टतम पार्टी साबित हो चुकी है, और इनके 50% से ज्यादा विभाग, मंत्रिमंडल इनका जेल जा चुका है, और अभी तक ये जमानत तक नहीं करा पाए, 2-3 महीना हो रहा है ये जमानत तक नहीं करा पाए। अगर आरोप चाहे वो सत्येंद्र पर हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी पर हो, अगर ये आरोप तो आम आदमी का तो आप पर सीधा सीधा आरोप है कि आप उनकी बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ता ग्राफ को देखते हुए आप उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा दिए हैं। देखिए बढ़ता ग्राफ, घटता ग्राफ, इन सारे तर्कों कुतर्कों से कुछ नहीं होता है। बढ़ता ग्राफ कभी कांग्रेस पार्टी का भी था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सूरज डूब चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता सराह रही है, तो जनता, ये जनता जनार्दन है, ऐसा कुछ नहीं बढ़ता हुआ ग्राफ घटता हुआ ग्राफ। अगर ऐसा कुछ था तो उत्तर प्रदेश में खाता इनका क्यों नहीं खुला, ये भी तो देखना, ये भी तो बताना पड़ेगा। ये तो पूरी 400 सीटों पे चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश की, एक खाता नहीं खुला, इसके पहले ये नगर निकाय चुनाव लड़े उसमें भी इनका खाता नहीं खुला, जबकि तब तक तो इनकी पार्टी एक बार पार्टी की रह चुकी थी दिल्ली में, और इस बार जो है ये खाता तक नहीं खोल पाए उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जबकि इनकी सरकार बन जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं निकलती है। तो देखिए अलग अलग जगहों की अलग अलग परिस्थितियां भी हैं, और राजनीति में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव, इनके मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। नगर निकाय चुनाव पूर्ण रूप से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, और स्थानीय मुद्दे क्या, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, स्थानीय मुद्दे हो, स्टेट के मुद्दे हो, लेकिन भ्रष्टाचार से कंठ तक जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी डूबी है, अगर आज की डेट में दिल्ली में चुनाव हो जाए तो ये 10 सीटें नहीं पाएंगे, 10 सीटें दिल्ली में नहीं पाएंगे अगर आज की डेट में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार में कंठ तक जिस प्रकार से डूबे है, 50% से ज्यादा मंत्रालय इनके जेल जा चुके हैं, इनका कोई जनाधार नहीं बचा, दिल्ली में ही नहीं बचा है, उत्तर प्रदेश तो बहुत दूर की बात है, और उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी फिर भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुलने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल स्पष्ट है। और जो चीजें अभी तक छुपी हुई थी अब उजागर हो चुकी है, जिसको ये कहते हैं लोकप्रियता की वजह से पीछे पड़े, चलिए लोकप्रियता की वजह से ईडी सीबीआई आपके पीछे पड़ गई, लेकिन न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय में तो आपने ये सारी बातें, आप जितनी बातें यहाँ नहीं रखते, आपके वकील इसके 100 गुना पॉइंट वहां पर रखते हैं, ये हो गया वो हो गया, फर्जी फंसा दिया, लेकिन जो मजबूत तथ्य है, जो चीजें लिखा पड़ी में है, आपने 5% कमीशन से 12% शराब। ठीक है भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी क्या तैयारी है, अपने आप को कहां देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव में, इससे पहले नगर निगम की सीटों पर आपका खाता भी नहीं खुला था। मुझे थोड़ा सा लेट समय मिला, मैं चाहूंगा 5 मिनट मेरे को सुन लिया जाए, क्योंकि मैंने सभी पैनलिस्ट को 2-2 बार सुन लिया है। जी अपनी बात रखिए, जिम्मेदारी से बताना मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, पिछली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया था, ये 16 सीटों में से 14 सीटें जीते थे और 2 सीटें बसपा ने जीती थी, हमारा खाता नहीं खुला था, ये बात सच है। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, ये नगर निगम का ही चुनाव नहीं हो रहा, नगर पालिका और पंचायत का भी चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत का भी चुनाव हो रहा है, और जिसमें की समाजवादी पार्टी पहले से ही मजबूत है इनसे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, अधिकतर सीटों का हमारे लोग। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया, अब की क्या लगता है जनता किसको आशीर्वाद देगी? मैं उसी विषय पर, मैंने कहा था 2 मिनट मुझे अपने बोलने दीजिए, बिल्कुल अब थोड़ा सा बोलने दीजिए, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरह के बहस ना, मेरा फ्लो टूट जाता आपकी वजह से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी से,
आज जो इनको जो आशीर्वाद दिया था भारतीय जनता पार्टी को, आज उत्तर प्रदेश का जनमानस निकल चुका है टॉर्च लेकर और वो ढूंढ रहा है स्मार्ट सिटी को, लेकिन स्मार्ट सिटी नहीं मिल पा रहा। आप भी एक बहुत बढ़िया पत्रकार है, आपको भी अगर पत्रकारिता से समय मिले तो आप भी टॉर्च लेके निकलिएगा, हो सकता है आपको इनके स्मार्ट सिटी मिल जाए। नंबर दो, एक जो जलभराव होता है पूरे महानगरों में, चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, जो भी महानगर और नगर है, जहां पर भी वहां पर होता है, तो वहां पर जो है इतना जलभराव हो जाता है सड़कों पे कि आप यकीन करिए लोग ना साइकिल और अपनी कार नहीं ढूंढते, नाव ढूंढते हैं कि कैसे नाव मिले और हम लोग नाव को तैर के पार कर लें। ये स्थिति जो करी है वो किसने करी है? भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में। अब तीसरे में आ जाता हूं कूड़े के ढेर पर। शहरों में जो कूड़े का ढेर है उसको जलाया जाता है, जो कि एनजीटी की गाइडलाइन है, उसका सीधा सीधा उसका एक मतलब एक उसकी जो गाइडलाइन दी गई है उसका ये पालन नहीं कर पा रहे। उस कूड़े को जलाया जाता है जिससे प्रदूषण होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इस कूड़े को ना जलाया जाए जिससे प्रदूषण ना हो, तो इसके लिए भी ये लोग दोषी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा स्वास्थ्य भी नगर निगम के अंतर्गत आता है और वहां पर जो स्थिति है वो चाहे विद्यालय हो वहां पर जो जर्जर अव्यवस्था है विद्यार्थियों के लिए, और हॉस्पिटल जो इनके नगर निगम के उनमें आप देखिए क्या व्यवस्था है, आम चीजें नहीं मिल पा रही है। तो ये स्थिति आज इन्होंने कर दी है जी। केसी जैन जी, आपने भुवन जी को सुना, तमाम आरोप लगाए हैं उन्होंने, कूड़े को लेकर लगाया, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर लगाया है। उससे जरूर पता चलता है कि भुवन जी ने जो है कूड़े पे और हॉस्पिटल की व्यवस्था पे सवाल उठाया। देखिए, सवाल उठाना अलग बात है। आप देखिए कि जो जो नगर निकाय नगर निगम जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे उनको साफ सुथरा रखते हुए, वो चाहे इंटरलॉकिंग हो गली गली में, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पाइप की व्यवस्था हो, पानी की पुराने पाइप बदले जाने की व्यवस्था हो, कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो, घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो, नगर निगम में और नगर निगम में जो भी मेयर है, मेयर बाकायदा चीजों को जब पास करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि एक भी प्रत्याशी एक भी सभासद उनका दूसरी पार्टी का नहीं है। सभासद जो योजनाएं बनती हैं उसमें पूरा सदन होता है और उस सदन के अंदर बाकायदा जब महापौर बैठते हैं और पूरी चीजें पास होती है उसमें, तो वो सारे वार्ड चाहे वो दूसरी पार्टी के सभासद जीते हो या भारतीय जनता पार्टी के सभासद हो, उनको पूरा बजट भी अलॉट होता है, साथ ही साथ जो काम वो देते हैं उन कामों का निस्तारण भी होता है, और गली गली चमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां पर सभासद जहां जहां पर महापौर रहे हैं उनको अच्छा करने का काम किया है। और उसके बाद में भी देखिए, आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन इन सब सारी चीजों का मूल्यांकन जनता करती है, वोटर भी जनता है। अगर जनता को समस्याएं हैं तो जनता उस तरीके से वोट देगी। अगर जनता को समस्याओं से राहत मिली है भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के नगर निकाय नगर निगमों के कार्यकाल में, तो बिल्कुल जनता उस तरीके से वोट देगी। और दूध का दूध पानी का पानी होने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। आज नामांकन की जिस प्रकार से लास्ट डेट है और उसके बाद में जो दो चरणों में जो चुनाव होने, पहले चरण के नामांकन का आज लास्ट डेट है, तो ये सारी चीजें स्पष्ट होकर के सामने आ जाए। और कांग्रेस ने देखिए तमाम जगहों पे प्रत्याशी नहीं उतारे, आम आदमी पार्टी जो प्रत्याशी उतार रही है तमाम जगहों पे, इन्होंने डमी कैंडिडेट उतारे केवल नाम भर के, तमाम जगह पे आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिले। हाँ, समाजवादी पार्टी जरूर चुनाव लड़ रही है, पिछली बार रहा तो हमें नहीं लगता है कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमजोर है या भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी चुनाव में कमजोर है। और पिछली बार से अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे, हम इस आशा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे जो चुनाव की तैयारी की बात है, तो जिस प्रकार से जाति धर्म मजहब को सिर्फ मुद्दा बना करके समाजवादी पार्टी चुनाव के मैदान में आती है, कहीं कहती है कि नहीं जातिगत काउंटिंग होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, कहीं कोई मुद्दा उठाते हैं, कहीं कोई मुद्दा उठाते हैं, कहीं रामायण जलाने की बात करते हैं, रामायण की पंक्तियां जलाने की बात करते हैं। किसी जी, वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास, भुवन जी आपसे मैं आखिरी सवाल लूंगी।
और काम के आधार पर आप किन एजेंडों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, हमारा जो एजेंडा बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है वो मन बना चुका है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार नगर निगम में हमारे अधिक से अधिक मेयर जीत के आएंगे। इसके पीछे कारण 2022 के चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया और इसके अलावा हमारी सीटें बढ़ गई हैं। अभी उपचुनाव के परिणाम के बाद हम लोग जीते हुए मनोबल के साथ चुनाव में जा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जनमानस ने एक सिद्ध कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में टू पोल पॉलिटिक्स है, एक पोल में अगर बीजेपी है तो एक पोल में समाजवादी पार्टी है। तो निश्चित तौर पे सबको पता है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व तो में समाजवादी पार्टी हरा। जी ठीक है, क्या आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सभी दलों के लिए चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, सभी राजनीतिक दल एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारी परखना चाहते हैं। इस चुनाव में मिली जीत बढ़त दिलाने के साथ साथ स्थानीय स्तर के नेताओं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का भी काम करेगी। वहीं सभी पार्टियों ने अपना एजेंडा भी सेट कर लिया है, तो अब ये एजेंडा देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ ये एजेंडा किस पर कितना भारी पड़ता है। फिलहाल खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।